न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। मनपा सरकार के खिलाफ राज्य कर्मचारी के शोष, संयुक्त सलाहकार तंत्र के कर्मचारी पक्ष के प्रतिमंडल, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री बदलापुर घटना पर विरोध। आइए देखते हैं खबरें विस्तार। मनपा सरकार के खिलाफ राज्य कर्मचारियों का हुआ शोष, आम आदमी पार्टी सहित पंजाब नेशनल से जुड़ी मांग को लेकर पंजाब कर्मचारी एवं पेंशन संयुक्त मोर्चे की तरफ से प्रदेश सरकार के खिलाफ शनिवार को प्रदर्शन किया गया। पदाधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदेश के कर्मचारियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। सरकार द्वारा मानी गई मांगों को तब तक लागू नहीं किया गया है। मौके पर मौजूद नेता ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान बार बार मीटिंग करते हैं और फिर लिए गए फैसले से पीछे हट जाते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। संयुक्त सलाहकार तंत्र के कर्मचारी पक्ष के प्रतिमंडल में संयुक्त सलाहकार तंत्र के कर्मचारी पक्ष प्रतिमंडल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री को कर्मचारियों की मांग को अवगत कराया गया। इनमें से वेतन में वृद्धि, पेंशन में सुधार और कार्यस्थिति से सुधार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगी और उनकी समस्याओं को समाधान देंगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बदलापुर घटना पर होगा विरोध। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को बदलापुर स्कूल में 4 वर्षीय दो लड़कियों के साथ यौन संबंध के खिलाफ काला बैज और काला झंडा लेकर धरना दिया, जिसके चलते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पालघर में साधुओं के सरहांस कोरोना बॉडी बैग और महावारी के दौरान खिचड़ी वितरण से भ्रष्टाचार पर विपक्ष चुन रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनकी चुप्पी ठेकेदारों के साथ उनकी संबंधन कार्य थी। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि बंद किए गए महाराष्ट्र के कुछ अपस्थित पैदा नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि बंद के पीछे महाराष्ट्र के कुछ अप्रोपित स्थित पैदा करने की साजिश है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त हो दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।